because I don't know how I've done in this film. I've really, really tried my best, but I don't think I would have been able to do any of it without Sushant. He has just been the most helpful person to have had. There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on. And it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, lekin jo bhi main bolti hu, tooti taati Hindi inhone hi sikhai hai. Inhone pehle hi kaha tha ki mere se Hindi mein hi baat karna. So aise karte karte, matlab thodi bahut Hindi bhi seekh li, inshallah thodi bahut acting bhi seekh li. Inhone bahut bahut madad ki. One sec before, you need to say thank you, please, Sushant. You know the number of people thanking you on stage. You should say thank you to all of them. Thank you. तेरे आंसू निकल आएंगे appreciation के. Honestly, yeah. With that, gratitude is all I have. Lovely, yeah. हाँ अभिषेक, अभिषेक, हाँ आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसा आपने कहा कि ये केदारनाथ में जो इतना बड़ा बवंडर आया था, इतने सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे, और जिसको लोगों को देखना चाहिए, तो आपने भी वहाँ जाके वो चीजें देखी हैं अभी भी, तो वो क्या आपके इस फिल्म के हिट होने से या आप कुछ चाहेंगे उन लोगों के प्रति करना जो अभी भी उस दौर से गुजर रहे हैं या वो परेशान है अभी भी उसके बाद से अभी तक भी, कुछ आप करना चाहेंगे उनके लिए? मैं एक फिल्म मेकर हूँ और मैं एक्चुअली यू नो कभी कभी मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या कर लोगों के समाज के लिए क्या करना चाहता हूँ। अगर ये दो तीन साल जो मैं संघर्ष करके जान डाल के फिल्म बनाता हूँ, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता, मैं एक समाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो ये फिल्म मैंने शिव के लिए बनाई और मुझे लगता है कि क्यों बनाई, शिव का मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान की सेवा और लोगों के लिए बलिदान देने की है उसमें शिव रहता है। और ये बात अगर मैं इस देश के लोगों में और दुनिया भर में ये बात समझा सकूं मेरे शिव के बारे में, तो मैं अपने इस एफर्ट को सक्सेसफुल। हाय गट्टू, दिस इज सुहेल, यू आर राइट, या या कांग्रेचुलेशंस, शुगर टेलर्स लुक्स एक्सीलेंट। मेरा सवाल था कि जब आपने ये सोचा था कि सारा को कास्ट करना है एक्चुअली, एक्चुअली इनके एक रिश्तेदार हैं संदीप खोसला, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मेरी मीटिंग कराई इनके साथ, और एक बार वो मीटिंग हो गई तो फिर बात धड़ाधड़ चल गई। सारा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, व्हेन यू वे अप्रोच एक्चुअली, सबसे फर्स्ट टाइम जैसे आपको पता चला कि there's a story which has come for you actually, what was your reaction and whom did you actually, you know, spoke regarding this thing, your dad, your mom, what was it? जैसे गट्टू सर ने आपको कहा, संदीप के घर पे हमारा नरेशन हुआ था, गट्टू सर थे वहाँ, कनिका हमारी लेखक हैं वो भी थी, उन्होंने नरेट किया था और मैं अपनी मॉम के साथ थी वहाँ, और ये सुनकर मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए और आँखों में पानी, और मतलब बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, बहुत ही मुझे याद, मतलब आज भी याद है कि कैसा लगा वो नरेशन सुनने के बाद। तो तभी बस तय हो गया था मन में कि यही होगा। एक फिल्म आई थी आपकी आंटी की, सुहा अली जी की, एक्चुअली नो इट वाज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ फ्लड एक्चुअली मुंबई, कभी उस तरह के कुछ ख्याल आए थे एक्चुअली इस तरह की एक फिल्म, जस्ट अ स्मॉल प्लॉट? नहीं, उस समय जब उन्होंने कनिका जी ने ये नरेशन दी थी हमें, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, बस जो दुनिया वो दर्शाना चाहती थी, बस उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, बस जैसे उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने लिखा था, बस वो ही था, कोई कंपैरिजन कुछ नहीं था। But I want to ask you, who do you message immediately? Were you allowed to tell anyone on WhatsApp that you've got this film or that you've said yes? Or were you not allowed, apart from your mother? The mom was What about friends and all? Were you like just waiting to like tell everyone? When were you allowed to tell the world before the media or before all that that you have got this film? I don't really remember like that. It wasn't. First look of Kedarnath jab release hui, then was. No. People no. Knew before that. Before that. So you. That. No particular date. I have a question for you, MC.
same question goes for Ronnie sir also. Tell us something about your fruitful collaboration, sir, with Ronnie sir. You know, when we talk about Shiv and he works in mysterious ways, this man walks into my life, you know. And I just look back, I've done, this is actually my third film with him. And hopefully he won't leave my arm. And, you know, he'll be with me for the rest of my journey as a filmmaker. It's been incredible. When I did Kai Poche, he was there. And I remember showing the film and walking out and being very happy. And, it's just fantastic. I couldn't ask for anything. In fact, this movie was not being produced by him. And I was in a bit of trouble. And he just walked in at the last minute and he picked me up like my knight in shining armor. So, I'm sorry, what? Would you like to add something to that? Yeah, well, I think pretty much now when somebody is so glowing about their praise, how am I going to do it in return? Other than saying is, when you're working on a producer-director, I think long-term relationships play a big role. Because just getting to share common vision, common creative ideas in itself is very difficult. Then there are a lot of crises, and to go through all of them and then come out of it, actually makes the relationship long term. So I think that's what we've really invested over a period of the years. I did read the Bharat Time ki news par filhal itna hi. Hamare is channel ko like kijiye aur subscribe kijiye.